हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट लवर्स ब्लॉग। एंड मैं हूं बिबू। एंड मैं हूं लिप्सा। तो आज हम जा रहे हैं कहां पर? आज हम लोग जा रहे हैं चिकपेट, जो कि बैंगलोर में उसको ओल्ड सिटी बोला जाता है। अभी हमारा घर का काम चल रहा है, तो आप लोगों को ऑलरेडी हमारा नया घर का वीडियो आपने देख चुका होगा, जो कोई इंटीरियर चल रहा है हमारा। तो आज हम ये जो मार्केट जा रहे हैं, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको एंड टू एंड एक बहुत सारा मार्केट और लाइटिंग का शॉप मिल जाएगा। स्ट्रीट सिर्फ लाइट ही लाइट है, आप जहाँ पर भी जाओगे लाइट ही लाइट, स्टार्टिंग से एंडिंग। वीवी के रोड, वहाँ पर शॉपिंग करेंगे लाइट के लिए। बेसिकल आज हमने टारगेट रखा है, हमने दो, जो हमारा मेन हॉल है, हॉल एरिया के लिए दो झूमर की ज़रूरत है। तो आज हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे झूमर के खरीदने के लिए और आपको सारा लाइट दिखाएंगे। सो गाइस, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। बहुत सारा लाइट आपको देखने वाले हैं आज। और इनकेस आप घर खरीदते हो तो जब सीलिंग वर्क चलता है, पहले आप झूमर खरीद लेना, ईजी है। तो क्योंकि ना आपको फिर बाद में कटिंग नहीं करना पड़ेगा सीलिंग में, क्योंकि ना झूमर का जो हुक आता है वो बाय डिफॉल्ट उसके साथ फिक्स आता है, तो झूमर के हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो वो झूमर का हुक का अगर आप उनको वो रिंग दे दोगे तो वो पीओपी के टाइम पे ही वो सीलिंग में ऑलरेडी अटैच कर देंगे। नहीं तो क्या होगा, वो नॉर्मल पे अगर आपके पास झूमर आप नहीं लिए है तो वो एक नॉर्मल डिफॉल्ट वाला एक लगा देगा, जो कि अब झूमर के साथ आएगा वो उसको मैच नहीं करेगा, एक साथ फिटिंग अच्छा नहीं दिखेगा, तो डिजाइन में थोड़ा इधर उधर होगा, तो ये सब चीज है। तो बेटर है, मतलब सजेस्टेबल है कि आप पहले से ही प्लान कर दो। हाँ। आपका जो भी बिग लाइट है, मतलब हैंगिंग लाइट, थोड़ा हेवी लाइट रहेगा, तो वो सब लाइट आप ऐसे प्लान करो कि आपका फॉल सीलिंग मतलब जब भी शुरू हो रहा है वो टाइम पे हो जाना चाहिए। सोचा पहले हम आज जाएंगे और खरीदेंगे वो वाला लाइट जो पहले सीलिंग में लगता है। तो गाइस, कीप वाचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप सपोर्टिंग टू एंटरटेनमेंट लवर्स ब्लॉग। अच्छा, ये जो भैया बीबी के आएंगे रोड है वो इधर ही पार करके नेक्स्ट साइड जाना है ना? ओके। तो यहाँ पर हम पार्क करेंगे, फिर जाएंगे बाईवर्क यहाँ से। ये है मल्टी लेवल पार्किंग है, जो कि आप यहाँ पे पार्क करके आराम से आप शॉपिंग वॉपिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं अभी जहाँ पे बीबी के आएंगे रोड पे, और हम लोग ने पार्किंग कर ली है। और ये आप देख चुके हैं, ये है केम्पागुड़ा महाराजा कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग है। और ये इन लोगों का पार्किंग चार्जेस भी है, जो कि मतलब 30 मिनट्स के लिए 10 रुपीज़, देन 30 मिनट्स टू 1 आवर के लिए 20 रुपीज़, एंड देन 1 to 2 आवर्स के लिए 30। ऐसे ही ग्रेजुअली ये बढ़ता जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 8 to 12 आवर्स के लिए ये लोग चार्जेस करते हैं 150 रुपीज़। तो ये सब है डिटेल्स, और अभी हम लोग निकलेंगे शॉप की तरफ। यस, और आपने जैसे देखा, अभी हमने मैप में देखा है कि यहाँ से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस है, और यहाँ से आप आने के बाद वो फील ले सकते हो कि यहाँ पर, जी यहाँ पर लाइट का शॉप है। यहाँ से देखो, यहाँ से बहुत सारे शॉप्स है। तो यहाँ पर LED लाइट, स्ट्रीप लाइट या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट देख सकते हो। तो आई एम सो सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर लाइट्स। और लाइट्स बेस्ट थिंग है गाइस, आपको बेस्ट प्लान करना पड़ेगा कि घर में आप कौन सी जगह में कैसी लाइट लगाओगे, ताकि आपका घर और भी ब्यूटीफुल लगेगा। यस, सब लोग जाते हैं, बहुत हमारे पास बहुत कम टाइम है, और इसके लिए हम लोग जाके बहुत बहुत पैसा चेक करके आएंगे। लेट्स गो।
निकल जाएगा ऊपर से। ये है ना, ये वन है, ठीक है, तो ये सबसे लंबा है, वो एक ही आएगा। फिर बी फाइव है, तो ये राउंड है ना, ये वाला फाइव है। फिर सी वाला नाइन है, ये नाइन है। फिर डी फोर्टीन है, ये फोर्टीन। वो पूरा कैरेक्टर लिस्ट वो देख के लगा, देख के लगा, इसके अंदर ये मोड का आएगा, चेक कर लेंगे। आप आ गए और में नहीं ब्लूटूथ कनेक्ट और में तो सैंपल लेना है, तो और इसका वारंटी कार्ड ऐसे कुछ नहीं है, इसके पोटेंशियल में कुछ प्रॉब्लम होगा, बट लेके आना पड़ेगा यहाँ पर, वो उधर भी हो जाता है, इलेक्ट्रिशियन और वो कर लेता है, नहीं तो फिर कुछ जो पहले भी तो प्रॉब्लम आता वो लग रहा है, ठीक है। ये भी जनरली प्रॉब्लम वो भी तीन चार बार कुछ भी होता था नहीं होता, बाकी पावर कोई फॉल्ट हो तो बात अलग है, नहीं तो नहीं होता। तो फाइनली हमारा जो भी शॉपिंग था झूमर के लिए सक्सेसफुल, यानी कि अभी टाइम देख रहे हो 7:00 हो गया है गाइस, तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप जब भी यहाँ पर आते हो टाइम लेके आओ, क्योंकि ना हम मॉर्निंग स्टार्ट हुए यहाँ पर पहुँचे ऑलमोस्ट आई थिंक 12:00 हो गया था, 12:00 से 7:00 तक हम ये रोड से लेफ्ट राइट सारे दुकान शॉप कर रहे थे, मतलब विंडो शॉपिंग कर रहे थे। उसके बाद फाइनली जो लिंक में हमने अपडेट किया है वो वाला लाइट हमको बहुत पसंद आया, और अभी बहुत ही थक गई हूँ मैं, और ये शॉप का नाम डिस्क्रिप्शन और इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है इनका ओनर का, तो वो सारा अपडेट कर देंगे। आप चेक करना चाहते हो तो ये वाला शॉप चेक कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा वेराइटीज है गाइस, और ये भी देख सकते हो। तो बेसिकली ये आउटडोर लाइट्स है। तो फाइनली हमारा शॉपिंग हो गया, और जितना लाइट हमने एक्सप्लोर करा था गाइस, ऑलमोस्ट हमारा जितना भी शॉपिंग हमने कंप्लीट करा, और फाइनली हमको जैसा चाहिए था रिक्वायरमेंट वैसे सीलिंग लाइट हमको मिल गया। तो फिलहाल मैं हूँ बीबी के आई एन के रोड बैंगलोर में, और जो है कि चिकपेट में। तो गाइस अगर आपको लाइट की ज़रूरत है तो आप चिकपेट में देख सकते हो, ये वाले रोड जो हमने दिखाया है ब्लॉग में, इसमें बहुत सारा लाइट का ऑप्शन मिलेगा। सो चलिए जल्दी से ब्लॉग चेकआउट करते हैं। So guys, keep watching and stay tuned. सेल्फ लाइटिंग में, और जैसे कि हमने बताया था हम चिकपेट आज आए हैं शॉपिंग करने के लिए, हमारा सीलिंग लाइट और शॉपिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट्स का जो भी डेकोरेशन है अगर घर में गाइस, जो भी न्यू घर बनता है जैसे इंटीरियर बेस पार्ट होता है घर का, तो लाइट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए अगर आपका जैसे भी यूनिट बना है, यूनिट के हिसाब से आप प्रॉपर लाइटिंग लगाओगे तो घर का जो खूबसूरती है थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत लग जाएगा। जैसे कि अभी मैं हूँ, ये वाला शॉप है संकल्प लाइटिंग्स। सो इसका संकल्प लाइटिंग के बारे में हम सारा अपडेट कर देंगे हमारा चैनल में, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन ये शॉप का मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ से शॉपिंग किया है और यहाँ पर फाइनल हुआ हमारा लाइटिंग, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट था उसका साइज़ था वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट परफेक्ट मिला यहाँ पर। तो
अभी दिन भर शॉपिंग करने के बाद 7 बजे हमारा शॉपिंग एंड हुआ और यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन मिलता है और इनका जो ब्रांड होता है गाइस या जो भी लाइट आप देख रहे हो, इस यहाँ पर कमर्शियल लाइट है और इंटीरियर के भी लाइट्स है और इंटीरियर का डिफरेंट यूनिट का भी लाइट्स है और यहाँ पर जो इनका सारा लाइट का ब्रांड है थियोन ब्रांड और ये इनका इनबिल्ट ब्रांड है, ये लोगों का खुद का ब्रांड है जिसका सारा लाइटिंग वो बनाते हैं और इनका ब्रांड है थियोन। तो इसीलिए हमको काफ़ी अच्छा लगा और सारा लाइट्स आप चेक करिए, नेक्स्ट ये ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। तो लाइट का झूमर हो गया या फिर क्लैम्प लाइट हो गया, हैंगिंग लाइट हो गया या फिर सीलिंग लाइट हो गया, बहुत सारा ऑप्शन है और हमने जितना भी देखा सारा वेराइटी हमको सबसे अच्छा यहाँ पर अच्छा लगा और एक शॉप था वहाँ पर भी अच्छा लगा बट हमको बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पर मिला तो हमने ये वाला शॉप चेक किया। तो गाइस आपके हिसाब से आपको जो भी पसंद है अकॉर्डिंगली आप उसको लाइट आपका चॉइस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बट ये वाला बैंगलोर का लोकेशन जो है ये परफेक्ट है अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो आपका घर का और या फिर आप कुछ रेंटेड घर को भी डेकोरेट कर रहे हो लाइट में, तो यहाँ पर सस्ते से सस्ते यानी कि मिनिमम मैक्सिमम बहुत सारे रेंज में आपको लाइट 100 से लेके सम लाख्स तक आपको लाइट मिल जाएगा। सो गाइस चेक आउट आवर ब्लॉग, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट होता है और बहुत सारा लाइट का वैरायटीज देखा हमने जो कि बहुत पसंद आया हमको और इसका प्राइसिंग जो है इनका जो ओनर है आप कॉल करके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर खुद टीवी के नज़र आके आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मिलेंगे हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में, सो एंटी दैट कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एंटरटेनमेंट लवर ब्लॉग, स्टे होम स्टे सेफ, कीप वॉचिंग, बाय बाय।